जी, अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी पवन दुग्गल जी, कि जब हम मीडिया प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, तो अब बहुत सारे ऐसे अपराध देखे गए हैं सोशल मीडिया से जुड़े हुए, जिसमें कि लोगों की प्रोफाइल की क्लोनिंग कर ली जाती है और फिर पैसे की मांग की जाती है। अब ऐसी स्थिति में कैसे बचा जाए, कैसे रिपोर्ट किया जाए, कहाँ रिपोर्ट किया जाए? मान लीजिए कि फेसबुक पर इस तरह के कई मैंने लोगों के उदाहरण देखे कि जो ये कहते हैं कि हमारे ही फोटोग्राफ को लेकर एक दूसरा प्रोफाइल बना लिया गया, मिलते जुलते वही नाम वही डेजिग्नेशन सब, और जो ओरिजिनल है इंसान उसको ब्लॉक कर दिया। अब उस दूसरे प्रोफाइल से पैसे की मांग कर रहे हैं लोग। तो कई तरह के अपराध इस पैंडेमिक के दौरान बढ़े हैं। अब अगर हम ये फेसबुक से जुड़े इस अपराध की बात करें, तो किस तरह से लोगों को संभल, ये सरकार को क्या करना चाहिए, सोशल मीडिया का किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह की सजगता रह होनी चाहिए? जो आप प्रॉब्लम्स बता रही हैं बहुत ज्यादा प्रचलित हो चुकी हैं, खासतौर पर सोशल मीडिया पे। आपके अकाउंट का क्लोन होना, आपके हैंडल का क्लोन होके उसका दुरुपयोग करना, लोगों से पैसे मांगना, लोगों को चीट करना आजकल एक साधारण बात हो गई है। अब क्योंकि ये इतनी बड़े पैमाने पर प्रॉब्लम और चुनौती बन गई है, तो अब केंद्रीय सरकार ने उसको निपटने के लिए ठोस कारगर कदम उठाए हैं। 25 फरवरी 2021 केंद्रीय सरकार ने नई टेक्नोलॉजी रूल्स को गेजेट किया है, इंप्लीमेंट किया है। ये रूल्स का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2000। अब ये स्पष्ट तौर पर दायित्व डालते हैं सोशल मीडिया कंपनीज के ऊपर कि वो ठोस कारगर कदम उठाएं लोगों की जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए, और जब उन्हें खबर मिलती है कि कोई कानून का उल्लंघन हो रहा है या इस तरह से अकाउंट की क्लोनिंग हुई है, तो वो तुरंत कारगर कदम उठाएंगे। साइबर क्रिमिनल एक्टिविटी है उसको होल्ड किया जा सके, उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और अल्टीमेटली अल्टीमेट यूजर है जिसके अकाउंट को क्लोन किया गया, उसे नुकसान ना पहुंचे और उसे अपना ओरिजिनल अकाउंट वापस मिल जाए। अब उसके लिए बहुत बार अब ये रूल ये भी कह रहे हैं कि आपको अदालतों से जाके ऑर्डर लाने, अगर तो अश्लील कंटेंट है तब तो आपको अदालत जाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी उन्हें डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। बट अगर आपके अकाउंट्स के क्लोनिंग की बात, तब आप उन्हें लिखें जरूर, लेकिन वो कहेंगे अदालत से ऑर्डर लाइए, तो एक सिविल कोर्ट में जाके आपको अदालत का ऑर्डर लाना पड़ेगा। नहीं अदालत का ऑर्डर लेना चाहें तो आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में शिकायत कर सकते हैं, और एक बार FIR दर्ज हो जाती है तो उस आधार बनाते हुए ही ये जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं आपके अकाउंट को वापस ला देते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं आपको जागरूक होना है कि ये ऐसा खतरा है जो सब लोगों के सामने है। ऐसा नहीं है कि अभी तक आप सुरक्षित हैं तो आजीवन सुरक्षित रहेंगे, आज कल परसों कभी ना कभी आपका अकाउंट भी हैक हो सकता है, क्लोन हो सकता है। इसलिए जहां तक हो सके सोशल मीडिया को एक भंवर मान के चलिए, और भंवर को जितना आप केयरफुली डील करेंगे उतना अच्छा होगा। आज दुर्भाग्यपूर्ण भारतवर्ष में हम एक नई क्रांति का देख रहे हैं, जिसमें भारत की उल्टी क्रांति बोलता हूँ, यहाँ पर भारतीय उल्टी कर रहे हैं अपनी जानकारी को लेकर, चाहे वो सोशल जानकारी हो, प्रोफेशनल जानकारी हो, जानकारी हो। तो इस दौर में हमें फंसने की आवश्यकता नहीं है। आज वो दौर है जहां पर हम केवल उसी चीज को प्रकाशित कर रहे हैं जिसकी प्रकाशित करने की आवश्यकता है। नीड टू नो बेसिस पर और नीड टू शेयर बेसिस पर ही आप अपनी जानकारी को सोशल मीडिया पर प्रकाशित करें, पब्लिश करें, क्योंकि आज सोशल मीडिया पर क्राइमल्स चारों ओर फैल चुके हैं, आपको बचा कुछ और रहे हैं लेकिन उस पर्दे के पीछे कोई और लोग छुपे हुए। सतर्क रहिए, अपनी जानकारी सोच समझ के ही आप शेयर करिए, और जहां तक हो सके बहुत जल्दबाजी में, बहुत इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड में आप कुछ चीज प्रकाशित ना करें। अपनी लोकेशन के बारे में तो जानकारी खुल ना दें, क्योंकि आपकी लोकेशन एक बार उन्हें पता लग गई तो आपको फिजिकली भी टारगेट किया जा सकता है। सतर्क रहें, और अगर आपका लगता है कि आपके अकाउंट को हैक कर लिया गया है तो चुप ना बैठ, रिपोर्ट करें लोकल थाने में। थाने नहीं जाना चाहते तो अपने स्टेट पुलिस की वेबसाइट पर रिपोर्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, वहां भी ना जाना चाहें तो केंद्रीय सरकार का साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है जिसे cybercrime.gov.in बोलते हैं, आप वहां पर भी जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट करिए, और जब भी के साथ होता है उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है कि हम कितनी जल्दी पुनः से वापस अपनी नॉर्मलसी पर आ सकें। तो साइबर रेजिलियंस
हिस्सा बनाना पड़ेगा अपने जीवन का, और घबराहट होने की जरूरत नहीं। हर साइबर क्राइम की घटना को आप एक सीख मानिए, एक लेसन समझिए कि आप इसे क्या सीख सीखे हैं, ताकि आने वाले समय में आपकी जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं ज्यादा सुरक्षित हो और आप साइबर क्राइम के शिकार ना बन सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया पवन दुग्गल जी इतने विस्तार से इस विषय पर चर्चा करने के लिए, और हमारे व्यूअर्स को, हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।